हेलो नमस्कार, वेलकम टू दसों मोबाइलोजी। चलिए हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। थोड़ी स्पीड कम है लेकिन मैचअप करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 के हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 के लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। उसके अलावा इस साल के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। फोर लेयर की बनी लेयर होती है, वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में आपको दो लेयर मिलेंगी। मस्कुलैरिस आपकी इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। तो सिरोसा आउटर मोस्ट, देन मस्कुलैरिस, देन सब म्यूकोसा एंड फाइनली म्यूकोसा। तो ये आपको मिल रही हैं लेयर्स। ठीक है जी, ओके। तो क्या गलत है इसमें? इसमें गलत, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर गलत है। इलियम इज हाईली क्वाइल पार्ट, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडनम। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडनम, जेजुनम, एलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ये स्टेटमेंट भी गलत। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडनम, ये भी गलत। सीकम से अराइज होता है। इलियम इज हाईली क्वाइल्ड, ये सही है, सही पूछा गया था। तो एलियम इज हाईली क्वाइल्ड, ये सही है नीट 2020 का क्वेश्चन। बाकी के आपके ऑप्शन गलत है। ओके, चलिए आगे चलूँ। तो सही हमारा क्या है? इलियम इज हाईली क्वाइल्ड। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन ऑर्गन। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन कहाँ बन रहा है? क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है। तो वेलाई के नीचे ये क्रिप्स बन जाएंगे जो कि रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती। ग्लीसंस कैप्सूल क्या है? लेयर है ये लीवर में, जो लोब्यूल है लीवर के, उसको लीवर के सेगमेंट्स के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है वो ग्लीसंस कैप्सूल कहलाता है। ग्लीसंस कैप्सूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन लीवर। आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ मिल रहे हैं? आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में मिल रहा है। ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड म्यूकोसा में मिलती हैं, ड्यूडनम सम्यूकोसा में। ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडनम के सम्यूकोसा में होती हैं। तो डी के अपोजिट, ए के अपोजिट क्रिप्स ऑफ लिबर कोन के अपोजिट आएगा ए 3। ग्लीसंस कैप्सूल के अपोजिट आएगा 4। आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अपोजिट आएगा 1 और ब्रूनर ग्लैंड के अपोजिट आएगा 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए ये कब का क्वेश्चन है? नीट 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन कैसा है? थीकोडोंट है। थीकोडोंट के अलावा डाइफाइडोंट है और हिट्रोडोंट है। इन सब चीज़ों के क्या मतलब निकल रहे हैं समझ लीजिए। थीकोडोंट, जब ये टूथ हमारा किसी बोनी कैविटी में हो उसको कहते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हम लोग के टीथ ऐसे हैं जो 32 में से 20 टीथ ऐसे हैं जो जिंदगी में दो बार उगते हैं, तो उसको डाइफाइडोंट बोलते हैं। मोनोफाइडोंट वो जो जीवन में एक ही बार उगे। हिट्रोडोंट, हम लोग में इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर जो दांत हैं अलग अलग तरह के हैं, वो कंडीशन हिट्रोडोंट कहलाती है। डाइफाइडोंट के कुछ दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में दो बार निकल रहे हैं। थीकोडोंट, जब ये बोनी सॉकेट में होता है उस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही विकल्प है। द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। एंजाइम एंट्रोकाइनेज किस में हेल्प करने में, कन्वर्जन का था? तो ये एक्टिवेटर एंजाइम कहलाता है जो ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंट्रोकाइनेज। उसके बाद ट्रिप्सिन अपना सेल्फ ऑटो कैटलिस्ट कर लेगा और ट्रिप्सिन फिर ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में बदलता रहेगा। तो ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए एंट्रोकाइनेज की जरूरत पड़ती है जो ड्यूडनल म्यूकोसा सिक्रेट करती है। ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन ओजन कैसा एंजाइम है? ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस में मिलेगा और प्रोटियोलिटिक नेचर का है। ट्रिप्सिन ओजन प्रोटियोलिटिक नेचर का है। चलिए आगे चलता हूँ। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रमोट्स द लाइनिंग ऑफ प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। वो क्या है?
कौन सा सिक्रेशन? गॉबलेट ग्लैंड। गॉबलेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस, विच इज हाईली थिक एंड विस्कस फ्लूइड। तो म्यूकस एक तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है। म्यूकस जो सिक्रेट कर रही है कौन? गॉबलेट सेल्स। वो म्यूकस एक कवरिंग सी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा जिससे सेल्स बची रहती हैं एंजाइमेटिक एक्शन से। गॉबलेट सेल्स, अब ये देखिए 2019 का उड़ीसा का, अभी तक हम लोगों ने देखे अपने अलग अलग ईयर के आए क्वेश्चंस जो अलग अलग नीट में आपको आए हैं, तो हम लोगों ने 2019 का भी देखा, 20 का भी देखा है। ये 20 का क्वेश्चन है, 2020 का, उससे पहला भी 20 का है, 18 का भी क्वेश्चन देखा है, 19 का भी क्वेश्चन देखा है, ठीक है जी। तो 18, 19, 20 के क्वेश्चन डिस्कशन होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्रोकाइनेज का डिस्कशन हो गया, आइडेंटिफाई द सेल हुज सेक्रेशन हो गई, बात चलिए आगे। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद कॉलम टू। उड़ीसा का लोकल पीएमटी का क्वेश्चन है, रेनिन एंट्रोकाइनेज ऑर्गेनिक सेल फ्रुक्टोज। रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क प्रोटीन पे कैसिनोजन को कैसिन में बदलेगा, तो ये हमारा मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। एंट्रोकाइनेज के एक्टिवेटर एंजाइम है, अभी हम लोगों ने देखा, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलेगा। ऑक्सेंटिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है? ऑक्सेंटिक सेल्स विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको बोलते हैं सिक्रेट करती हैं। और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का मूवमेंट जो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन फ्रुक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। तो रेनिन के अपोजिट आप क्या लिख लेंगे? मिल्क प्रोटीन। ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। एंट्रोकाइनेज एक्टिवेटर एंजाइम है, इसको बी के आगे 4। ऑक्सेंटिक सेल्स 1 and 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यू शुड गो विद द ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो इस बार आपको मिलने की उम्मीद है। इसी तरह के डिस्कशन हो गया आखिरी 3 से 4 साल के। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन? फ्रुक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन म्यूकोसा बाय फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक स्टेटमेंट है, फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से और अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अब्जॉर्ब होते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। चाइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से नहीं, ये इंटेस्टाइन की सेल से किस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? लेक्टील्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय सलाइवरी एमाइलेज इन अवर माउथ। सलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, जो सलाइवा में मिलता है, नियर अबाउट 30%, नॉट 60%, 30% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का डाइजेशन कर देता है। तो 30% होता तो ऑप्शन ठीक होता, गलत है, ये भी गलत था, लेक्टील होता तो सही होता। ऑक्सेंटिक सेल्स इन अवर स्टमक सिक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ऑक्सेंटिक सेल सिक्रेट नहीं करते, चीफ सेल सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की चीफ सेल नोन टू सिक्रेट पेप्सिनोजन। ऑक्सेंटिक सेल क्या सिक्रेट करती हैं? SCL, वो SCL सिक्रेट करती हैं। तो ये आपका, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत? डिस्कशन हो गया। क्या सही है? फ्रुक्टोज और अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन। फ्रुक्टोज का कैसे हो रहा? फ्रुक्टोज का बाय मीन्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और अमीनो एसिड्स का बाय मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ATP, ATP खर्च होगी, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है इस बार जो आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन सेक्शन से मिलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल सेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ मैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड। कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की क्या है? ठीक है जी, तो ये ज़रूर आपने इस बार कैलोरीफिक वैल्यू को देख लीजिएगा, ये आपको मिल सकता है क्वेश्चन इस बार। कैलोरीफिक वैल्यू हमारी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की है 5.6 और फैट की है 9.45। हालांकि इसको हम लोग, ये आपकी 4.1 और ये जो है ये सेल के अंदर है, उसमें नहीं है, आपके कैलोरीफिक बॉम मीटर में है। ये वैल्यू जो है आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू नहीं है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो लिखी जाती है वो 449 लिखी जाती है। तो 449 याद रख लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिए
ये वाली वैल्यू 4.1 हमारी कार्बोहाइड्रेट की है, 5.65 हमारी प्रोटीन की है, 9.45 हमारी फैट की है। सबसे ज़्यादा आपको किससे एनर्जी मिल रही है, फैट के डाइजेशन से, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैविंग एच एन ओ इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड द जर्मन फार्मूला इज CH2O होल टू द पावर n। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवर फूड सीरियल्स एंड पल्सेस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। चीफ सोर्सेज आर एग मिल्क मीट फिश सोयाबीन ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। कैलोरीफिक वैल्यू इज 5.6 किलो कैलोरी एंड फैट्स बटर घी लीवर से हमको मिल रहा 9.45। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, यू शुड गो विद द ऑप्शन ए। तो 4.1 आपकी कार्बोहाइड्रेट की, 5.65 आपकी प्रोटीन्स की एंड 9.45 आपकी फैट की। 4.1 कार्बोहाइड्रेट, 5.65 आपकी प्रोटीन एंड 9.45 आपकी फैट की। कैलोरीफिक वैल्यू याद रख लीजिएगा, इसको 449 भी याद रख लीजिएगा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट चाइलोमाइक्रॉन। चाइलोमाइक्रॉन से या काइलोमाइक्रॉन जो भी बोल लीजिए, याद रख लीजिए चाइलोमाइक्रॉन और काइलोमाइक्रॉन। इस बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन और चाइलोमाइक्रॉन या फैट एब्जॉर्प्शन से बिल्कुल मिलना चाहिए क्वेश्चन विदाउट फेल। चाइलोमाइक्रॉन आर प्रोड्यूस इन द एपिथीलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक बात है। इट कंटेन्स ग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड, ठीक बात है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय स्मॉल लिपिड वेसिकल्स, यही गलत है। दे आर मेड अप ऑफ लिपिड कोर सराउंडेड बाय प्रोटीन। चाइलोमाइक्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द एपिथीलियल सेल इनटू लैक्टिल, ये स्टेटमेंट भी ठीक। ऑप्शन नंबर केवल तीसरा गलत है, डी वाला चुन लीजिए, तीसरा गलत, ठीक है जी। तो चाइलोमाइक्रॉन को जरूर याद रखिएगा, फैट एब्जॉर्प्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, इस बार क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। 13 तारीख को देखिएगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इन सम रीजन्स अवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, दिस इज एडवर्सली इफेक्ट नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, प्रोडक्शन ऑफ स्मेटोस्टेटिन, सिक्रीशन ऑफ सीबम, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो फूड के मूवमेंट को भाई स्मूथ कर देता है, लुब्रिकेशन कर देता है, फूड इजली डिग्लुटेशन हो जाता है, उसके बाद पेरिस्टाइलिसिस हो जाएगी। अगर गॉबलेट सेल्स सिक्रीट नहीं करेंगी म्यूकस, गॉबलेट सेल्स अगर डैमेज हो गई, म्यूकस नहीं सिक्रीट कर रही, तो फूड का पासेज जो है डाउन मूवमेंट वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड, इससे दिक्कत आ जाएगी। गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड स्मूथ सिंपल एपिथेलियल कॉलुमनर सेल, ये बात भी याद रख लीजिएगा। रेड से देखिए मैंने लिख रखा है, गॉबलेट सेल्स सिंपल एपिथेलियल कॉलुमनर सेल्स का मॉडिफिकेशन है जो आपको इंटेस्टाइन में मिल रहा। ओके, तो आखिरी में आके सम अप करें इस चैप्टर को कि भैया एब्जॉर्प्शन और मोर स्पेसिफिक चाइलोमाइक्रॉन। एब्जॉर्प्शन आपने एज अ होल पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है डाइजेस्टेड फूड का, और उसमें भी मेन कंसर्न आपका फैट एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू, वो क्वेश्चन मैंने आपको ही दिया, और आप जी आई टी हारमोन्स इधर 2-3 सालों से 4 सालों से आए नहीं, GIT हारमोन्स। अब आप सोचोगे GIT हारमोन्स आपकी NCERT ने तो उसको कवर नहीं किया, तो बेटा एक दो क्वेश्चन तो बाहर से आते ना मेरे बच्चे, उसमें इस बार आपको GIT हारमोन मिलने की उम्मीद है। मेरा लेक्चर देख सकते हैं आप, एक्सप्लोर कर सकते हैं सुमो बायोलॉजी में, GIT हारमोन डालिए, आपको सजेशन आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक गुड बाय। जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मेरे प्रिडिक्शन, देखते हैं हम बेजान दारू वाला के हिसाब से कितने फिट होते हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक गुड बाय।